हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और ये है मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन व्लॉग। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हैं, और सब्सक्राइबर से पहले मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड हैं हर्षिता। ये वीडियो उन्होंने मुझे भेजी थी मेरे बर्थडे पे विश करने के लिए, और मैं सब लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ जिनके विशेज़ ने मेरे बर्थडे को स्पेशल बना दिया। थैंक्स अ लॉट। हेलो फ्रेंड्स, आज मेरी मम्मा का हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी वाला बर्थडे है, और मैंने उनके लिए डेकोरेशन करी है। ये सब हैंडमेड है, बलून्स को छोड़ के। ये स्टार्स पे मम्मा लिखा हुआ है, और एक स्टार वो पीछे छुप गया है डोर की वजह से। इधर का एक बलून फूट गया सुबह मम्मी को दिखाने से पहले। मैं उनके लिए केक भी लेकर आई हूँ। ये रहा, नहीं बाकी वाला वैसे किया। ये है उनका केक, भी चॉकलेट लाके इसको और डेकोरेट कर दूंगी। ये पाइनएप्पल फ्लेवर है, मम्मी को बहुत पसंद है, लेकिन ये केक मम्मी से ज्यादा मैं खाने वाली हूँ। तो ये मेरी बिटिया ने तैयारी कर रखी है मेरे बर्थडे की, और ये सरप्राइज है सारा। तो मैं बहुत खुश हूँ ये सब देखकर कि बच्चे इतना सब कुछ करते हैं। थैंक यू। तो केक कटिंग वगैरह तब होगा जब हस्बैंड जी स्कूल से आ जाएंगे। वो अभी स्कूल गए हैं, उनकी छुट्टियाँ नहीं पड़ी हैं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। अभी बाय। और यहाँ पे मैं आपको ये कार्ड्स दिखाना चाहती हूँ जो मेरे हस्बैंड और मेरी बिटिया ने मुझे गिफ्ट किया है। ये मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल है। तो मेरी बिटिया कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करती रहती है, और मेरे लिए हर साल कार्ड्स बनाती है वो मदर्स डे पे भी। तो मेरे हस्बैंड के रिक्वेस्ट पे कि उन्होंने बोला कि बिटिया आप बनाते हो, मेरे लिए भी कुछ स्पेशल बनाओ मम्मा को जो मैं गिफ्ट करूँ। तो उसने बोला कि आप खुद बनाइए, मैं आपको हेल्प करूँगी। तो ये उन्होंने बिटिया के हेल्प से बनाया है। और ये क्या है मुझे बाद में समझ में आया, वो मुझे हर साल ड्रेसेस दिलाते हैं। तो वो एक सूट का जैसा होता है कुर्ती का लुक है वो, और ये मेरी बिटिया ने बनाया है मेरे लिए। दोनों बहुत ही प्यारे हैं, और देखिए बिटिया ने कितनी मेहनत की है। ये कूलिंग टूल आता है एक, उससे वो लगी रहती है। तो देखिए उस टूल के हेल्प से उसने कितना अच्छा फ्लावर बनाया, और बहुत सुंदर। और ये देखिए, ये उसने मुझे कल एक कीप रखी थी, पुरानी कीप रखी हुई थी, तो उसने मेरे कल मेहंदी लगाई। मैं आपको रोशनी में दिखाती हूँ। तो बहुत तो नहीं रची क्योंकि कीप काफ़ी पुरानी थी, लेकिन ये सोच के ही कितना अच्छा लगता है ना कि आपके लिए कोई इतना सोचता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए मेरी बिटिया ने सब क्या क्या तैयारियाँ की थी। और इसके बाद केक कटिंग से पहले की मैंने एक दो पिक्स शेयर की हैं आप लोगों के साथ। और मैं फिर से कहती हूँ सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने मेरे बर्थडे को स्पेशल बनाया। और चलिए अब केक कटिंग करते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं। और अब ये केक कटिंग हो चुकी है, तो अब यहाँ पर केक खिलाया जा रहा है। और मेरी सिस्टर बैठी हुई है सामने,
और वो कुछ ना कुछ जोक छोड़ दे रही हैं बीच बीच में। तो ये मेरी बिटिया और मेरे हस्बैंड ने केक खिलाया और इसके बाद दीदी खिलाएंगी मुझे। और ये हमारा इधर आरव बेटा आ रखा है, हमारे यहाँ ऊपर रेंट पे रहता है, लेकिन वो दीदी को देखकर कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है तो वो भाग रहा है और हम उसे पकड़ रहे हैं, लेकिन वो रुक नहीं रहा है। और यहाँ पर दीदी ने मुझे केक खिलाया। आपके साथ आपका कोई बड़ा रहता है तो आपको वैसे बहुत अच्छा लगता है, और मेरे साथ भी दीदी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई बहुत पहले से प्लानिंग नहीं थी एक्चुअली, एक हस्बैंड स्कूल गए थे तो टाइम भी कुछ नहीं था, तो इसलिए दीदी पास में थी तो हमने उन्हें ही बुला लिया। मैंने कहा आ जाइए केक कटिंग कर लेते हैं। और मैंने अभी हस्बैंड को नहीं खिलाया था और दीदी को पहले खिला दिया, तो दीदी कह रही हैं कि अरे तूने इन्हें नहीं खिलाया, तो इकलौती बीवी होकर। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे सबकी इकलौती ही होती है। तो इसी तरह से चुटकुले चल रहे हैं और केक वेक सब खा रहे हैं। और मेरी बिटिया को केक का बहुत शौक है, केक का क्या मीठे का भी। तो वो देखिए ये चाकू पे जो लगा है थोड़ा सा, वो उसे भी निकाल के खाने की तैयारी है, जबकि मैं उसके ऑलरेडी एक बड़ा पीस काट के और मैं उसे खिला रही हूँ। और मैं जब भी उसे अपने हाथ से कुछ खिलाती हूँ सबसे पहले वो मेरी उंगली काटती है, वो उसको बचपन से ही हैबिट है, वो उंगली मेरी पकड़ लेती है फिर छोड़ती नहीं है। तो यहाँ केक वगैरह हो गया है और अब हम लोग जाएंगे बाहर डिनर करने। और ये देखिए बिटिया मेरी केक दिखा रही है, उसको बर्थडे किसी का भी हो वो केक को लेकर बहुत खुश रहती है। तो इसके बाद हम लोग गए थे बाहर डिनर करने और डिनर करके फिर हम लोग रात में लौटे थे। और इसके बाद मैंने दिन में बनाया था चौलाई का साग, मैं उसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और बहुत ईजी है और बहुत टेस्टी है, और मेरी मैक्सिमम रेसिपीज़ ऐसी ही होती हैं जो कम मसाले वाली और कम से कम ऑयल वाली हो, तो और अच्छी भी बनती है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनती है। तो यहाँ चलिए देखिए, मैंने चौलाई ले रखी है और उसको मैंने साफ़ करके और इसको वॉश करके मैंने कट कर लिया, कट करके मैंने पहले ही वॉश कर लिया था और कट करके इसके बाद में कुकर में उसको डाल के और बहुत थोड़ा सा हाफ ग्लास से भी कम मैंने पानी डाला है और उसको मैं एक सीटी लगा दूँगी। और एक सीटी उधर लग चुकी है, तब तक मैंने इधर कढ़ाई लिया और कढ़ाई में डाला है मैंने मस्टर्ड ऑयल। तो साग का छौंक वगैरह मस्टर्ड ऑयल में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इसका। और इसके साथ ही मैंने 8 से 9 लहसुन की कलियां और 3 हरी मिर्च को मैंने अपने मैनुअल चॉपर में चॉप कर लिया है, तो वो उधर मैंने चॉप कर लिया। और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा तो मैं इसमें डाल रही हूँ जखिया। और ये जखिया क्या होता है, ये जो उत्तराखंड में जो गढ़वाल के लोग हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, ये उधर पहाड़ों पे होता है, जैसे राई होती है ना सेम वैसे ही होता है। और लेकिन टेस्ट इसका हरी सब्जियों में किसी में भी आप डाल दीजिए, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, मुझे इतना पसंद है। मेरे हस्बैंड वहाँ 14 साल उन्होंने वहाँ सर्विस की है तो वो लाते थे और मुझे बहुत अच्छा लगता। अगर आपके पास ना हो तो आप जीरे में भी तड़का लगा सकते हैं। और इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है लहसुन और हरी मिर्च जिसे मैं फ्राई कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा इसको फ्राई करना होता है, मीन्स कलर इसका चेंज हो जाए लहसुन का। और उधर मेरा साग भी जो है बॉईल हो गया है, तो मैं उसको वुडन स्पून के हेल्प से मैं उसको थोड़ा सा मैश कर रही हूँ। और इधर भी मैं लहसुन और मिर्च को फ्राई कर रही हूँ ताकि वो कढ़ाई में लगे ना। और जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज होता है इसका तो मैं इसमें साग ऐड कर दूँगी। तो यहाँ देखिए अब ये फ्राई हो चुका है, तो मैंने साग इसमें से निकाल के और इसमें ऐड करके और फिर इसको मिक्स दूंगी। और इसको हमें थोड़ा सा मैश करते हुए ही मिक्स करना है कि साग थोड़ा सा मैश हो जाए तो इसका टेस्ट और अच्छा आता है। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी नमक, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट जैसा आपको चाहिए आप वो डालिए। और उसको डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मैश कर दूंगी। और साग के साथ मैंने बनाया था मिक्स दाल, तो मिक्स दाल की मैं प्रॉपर रेसिपी तो नहीं शेयर कर रही हूँ, बस मैं कैसे करती हूँ वो मैं बता रही हूँ। तो मैंने चौलाई का जिसमें साग उबाला था उसमें थोड़ा सा जो पानी रह गया था उसी में मैंने मिक्स दाल को धुल के और मैंने भिगो के रखी थी आधे घंटे के लिए, अब वो उसको मैंने ऐड किया है। और ये मैनुअल चॉपर में जो मैंने
लहसुन और हरी मिर्च को चॉप किया था वो भी मैंने इसी में खंगाल कर डाल दिया, थोड़ा सा पानी ऐड किया है और ये मैंने एक टमाटर को ग्रेट कर लिया है वो भी मैं दाल में, ये शॉर्टकट है बट टेस्टी बहुत बनता है। और इसके साथ ही मैं इसमें हरी मिर्च भी काट के डाल दूंगी। हरी मिर्च काट के डालने से फ़ायदा ये होता है थोड़े बड़े बड़े पीसीस में कि जब आप खाते हैं तो यदि आपको मिर्च नहीं खानी है तो आप निकाल सकते हैं, जैसे मेरी बिटिया निकाल देती है, लेकिन इसका फ्लेवर और इसका जो तीखापन होता है वो दाल में आ चुका है। और इसके साथ ही फिर मैंने इसमें ऐड किया है हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, बहुत ज़रा सा गरम मसाला, और नमक मैंने बाद में ऐड किया था, जब मैं ढक्कन बंद करके चढ़ा दिया तब मुझे याद आया नमक नहीं डाला, फिर मैंने खोल के नमक भी डाल दिया था। और इसको मैं 3 सीटी लगा लूँगी। 3 सीटी लगाने के बाद मैं इसको 5 मिनट केवल लो फ्लेम पे सिम पे इसको पकने दूँगी। और इधर देखिए हमारा चौलाई का साग भी भुन रहा है। अब ये आया इसका टॉप सीक्रेट इंग्रेडिएंट, तो ये है एक भरवा मिर्च, मेरे यहाँ इन सब चीज़ों में ये यूज़ होता है। और इसको मैंने लास्ट में इसमें तोड़ के और डाल दिया और इसको खूब अच्छे से मैश कर दूंगी। और फिर इसके बाद आप इसे खा के देखिएगा मैं नहीं बताऊंगी कैसा लग रहा है क्योंकि आप कहेंगे आप हर बार यही बोलती हैं, तो जाहिर सी बात है डालने के बाद टेस्ट इसका बढ़ता ही है। और आप देखिए इसमें मसाले के नाम पे कुछ भी नहीं है, ना धनिया ना हल्दी और ना मैंने वैसे लाल मिर्च डाला है कोई, ना गरम मसाला, कुछ नहीं। इसके बावजूद भी ये साग बनकर बहुत टेस्टी तैयार होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे अच्छी बात है हेल्दी है, ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह नहीं है, और आप देखिए कितना बन के बढ़िया तैयार, आप इसे चावल से भी खा सकते हैं और रोटी से भी। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।